नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है। यहाँ देख सकते हैं कि VGH इंटरटेनमेंट ने कमेंट किया है कि हेलो सर, मेरा फोटोशॉप 7.0 में एक प्रॉब्लम आ गया है, कोई भी फ़ोटो अगर न्यू पेज पर ऐड करते हैं तो वो ग्रे हो जाता है, प्लीज़ टेल मी सर। तो सबसे पहले VGH इंटरटेनमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। और आपका बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, जब भी आप नया पेज में फ़ोटोशॉप 7.0 के अंदर जब भी आप फ़ोटो लेकर आते हैं तो ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन भी पहले मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा adobe फोटोशॉप 7.0 खुला हुआ है। तो यहाँ पे ये इसलिए होता है, मैं आपको दिखाता हूँ दो जगह से प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन का मैं हल बताऊँगा आपको। तो देखिए, जब हम लोग फाइल में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं तो न्यू का एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का आ जाता है। अब यहाँ पे जिस नाम से आपको अपना डॉक्यूमेंट बनाना है यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसे अनटाइटल 1 ही रखा है। और यहाँ पे साइज है, यहाँ पे देखिए साइज जो है, जो आपका रिक्वायरमेंट साइज है, आप कोई सा भी एक साइज अपने मुताबिक आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ रिजोल्यूशन है, अगर वेबसाइट के लिए आप या ब्लॉग के लिए आप अपना फ़ोटो देना चाहते हैं या डालना चाहते हैं तो रिजोल्यूशन 72 रखें। अगर आपको लैब में देना है या प्रिंट आउट करना है तो कम से कम 300 रखें आप। और यहाँ पे देखिए मोड, अगर आप ध्यान से अगर आप चेक कीजिएगा तो नया पेज का देखिएगा मोड आपका ग्रे स्केल ऑन होगा। तो इसको आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पे जाके RGB कर दीजिएगा। तो कोई सा भी फ़ोटो अगर लेकर आएंगे आप नया पेज में तो वो कलर ही रहेगा, कलर आएगा। अगर आपका ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ना हो तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखिएगा, अगर मान लेते हैं इसको मैंने ऑन कर दिया ग्रे स्केल का, तो जो भी फ़ोटो हम इस पेज में लेकर आएंगे तो ऑलरेडी वो ग्रे का ग्रे कलर ही दिखाएगा। देखिए अब कैसे, ये देखिए मोड है ग्रे स्केल कर दिया, कंटेंट वाइट रखा, ओके कर देते हैं। ये तो मेरा पेज आ गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए ग्रे भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ से एक फ़ोटो हम लोग लेकर आते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया है। बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, जो भी आपको फ़ोटो पसंद है ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कलरफुल फ़ोटो पे क्लिक किया, उसके बाद नीचे आके ओपन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो भी हम लोग नया फ़ोटो लेकर आते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, वो अलग से एक विंडो में ओपन होता है। इसे हम लोग, जैसे ये अलग एक विंडो है, हमारा पेज देखिए एक अलग सा विंडो है। अब इस फ़ोटो को हम लोग अपने पेज में ले जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जैसे ही मैं इस फ़ोटो को, एक कलरफुल फ़ोटो को अपने पेज में ले जाऊँगा, ये ग्रे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर में GRAY। तो अब इसको मैं ले जा रहा हूँ, देखिए फ़ोटो पर मैंने माउस पॉइंटर रखा और इसे क्लिक करके माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए इसे अपने पेज पर मैं ले जाऊँगा। ये देखिए मैं ले जा रहा हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फ़ोटो देखिए मेरे ग्रे स्केल में तब्दील हो गया। इसको थोड़ा सा मैं रिसाइज कर देता हूँ, स्केलिंग कर देता हूँ, जिससे आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। ये देखिए मैं इसे, ये मैं इसको स्केल कर देता हूँ और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे करेंगे हम लोग। पहले आप देख लीजिए कि ऐसा प्रॉब्लम होता है, देखिए ये फ़ोटो यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए, ये देखिए, तो इस पेज में जब भी मैं कोई सा भी कलर फ़ोटो आप लेकर आइएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ग्रे कलर का चेंज हो जाएगा। वो इसलिए चेंज हो गया क्योंकि मैंने मोड को ग्रे रखा हुआ है। तो इस फोटो को मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई सा भी फ़ोटो आप लेकर आइएगा तो ग्रे हो जाएगा। तो आप उसको करना क्या है, मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। या तो आप यहाँ इमेज में जाइएगा, मोड में क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ग्रे किया हुआ, देखिए ग्रे स्केल किया हुआ, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे भी ग्रे किया हुआ। इसको हम लोग करना क्या है, इसको RGB में अगर चेंज कर देंगे, जैसे ही RGB पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो नया पेज आप ले चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे RGB शो कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना, अगर नया पेज आपने ले लिया है, उसे ग्रे कर दिया है, तो आप यहाँ पे इमेज में जाके, मोड में जाके यहाँ से आप इसे RGB कर दीजिएगा, तो जो भी आप फ़ोटो अपने पेज पे ले जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कलरफुल हो जाएगा। देखिए जैसे ये फ़ोटो है, इसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसे ड्रैग करके अपने पेज में ले जा रहा हूँ। देखिए कलरफुल, देखिए कलर फ़ोटो है कि नहीं देख लीजिए आप ध्यान से, ये देखिए कलरफुल फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो इस तरह आ जाता है। अब जैसे ही मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ, इमेज में जाके मोड में जाते हैं, अब इसे ग्रे कर देंगे यहाँ पे फ्लैटन, ये देखिए ग्रे हो गया। तो याद रखिएगा हमेशा, या तो आप, दो तरीके मैंने आपको बताया, या तो जब भी आप नया पेज लें, यहाँ से फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए, मोड को ध्यान रखिए, इसको आपको क्या कर देना, RGB कर देना है।
यहाँ पे आरजीबी मोड को आरजीबी कलर यहाँ पे कर देना है। अगर मान लेते गलती से आपने इसे ग्रे कर भी दिया यहाँ पे, तो आपको यहाँ से इमेज में जाके वहाँ से आपको मोड को चेंज कर देना होगा, आरजीबी कर देना होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप जो भी फ़ोटो ले जाएंगे वो कलरफुल आएगा। तो हमेशा याद रखिए, नया पेज में यहाँ पे मोड में जाके हमेशा आपको आरजीबी करना है तो कलरफुल फ़ोटो आ जाएगा। अब इसे ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे शो कर रहा है आरजीबी। अब इस फ़ोटो को अगर मैं ले जाता हूँ इस पेज में, अपने पेज में, ये देखिए, देखिए कलरफुल फ़ोटो आ गया। अब यहाँ से भी जब नया पेज में आप आरजीबी लिखा हुआ है यहाँ शो कर रहा है, वहाँ से तो हम लोगों ने आरजीबी कर दिया, तो आप यहाँ से भी इसको ग्रे कर सकते हैं। मोड में जाके यहाँ पे ग्रे कर दीजिएगा फ़ोटो, देखिए ये भी देखिए ग्रे कलर का हो जाएगा फ़ोटो। तो सिंपली आपको याद रखना है, इमेज में जाइए, नया अगर पेज लेते हैं, अगर ले भी लिया कोई दिक्कत नहीं है, तो इमेज में जाके मोड में जाके आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, आरजीबी कलर कर देना है। अब आप जो भी फ़ोटो लेकर आएंगे यहाँ पे देखिएगा ये कलरफुल आ जाएगा। देखिए देखिए फ़ोटो कलरफुल मेरा आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल है, बहुत आसान है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, सिंपली आपको दो जगह से कर सकते हैं, या इमेज में जाइए, मोड में जाइए, यहाँ से आपको आरजीबी कर देना है। और आपका प्रॉब्लम ये होगा यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से आपका ग्रे स्केल ऑन होगा, इसीलिए वो जो भी फ़ोटो आप लेकर जाते हैं वो आपका ग्रे कलर में हो जाता है। आप यहाँ से आरजीबी को ऑन कर दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ जब नया पे लेते हैं, फाइल में जाते हैं, तो यहाँ पे न्यू में जाइएगा, यहाँ पे मोड में आपको ग्रे स्केल ऑन होगा, इसको आपको आरजीबी कर देना है। उसके बाद जो भी आप कलर फ़ोटो इंपोर्ट करके लेकर आएंगे, चाहे जैसे भी आप उसे ड्रैग करके लेकर आते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो आपका जो फ़ोटो है वो आपका कलरफुल फ़ोटो आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।